I would like to invite Dr. Hari Balram, a very great personality in our new generation. He is a great poet, Ghazalkar, and very recently Sahitya Akademi has published a collection of his metrical and lyrical poems, and several translations of Persian Ghazal. So we are proud of him. He is a great scholar, and I request him to present his paper. पदार्थरत्न निखरं निजगत्कञ्च कुञ्चितं रत्नं तं स्फुति सूत्रान्तः संतत्यैव स्तुवक्षितम् स्फुति सूत्रोऽङ्कितां कृत्वा भावमुक्तावीक्षितां अन्तःस्थितां तयात्मानं भूषयन्तं शिवं भजे तव च काकिल न स्तुतिरम्बिके सकलशब्दमयी किल ते तनु निखिलमूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसि जासु बहिः प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे शविता शिवे जगति जातमयत्नवशारिदं स्तुतिजपाच्चन चिन्तनवर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति मे अध्यक्षपादाः सर्वानपि उपस्थितान् विदुषः यथायथं प्रणम्य अहं सर्वप्रथमं धन्यवादैः योजयामि साहित्य अकादमी विशिष्य अस्माकं गुरुवर्यान् महोदयान् ये अस्मान् अत्र स्थापितवन्तः विदुषां पुरतः यत् अहं बालोऽपि सन् तेषां पुरतः किञ्चित् चापलमागते ततः परम् अस्माकीन गुरुवर्या त्रिपाठीवर्या अत्र विद्यन्ते एतत् सौभाग्यमेव अस्माकम् अस्ति यत् एतासां पुरतः अहम् एतस्य पत्रस्य वाचनं करोमि विश्वसिमि यत् मदीयाः या अशुद्धयः भविष्यन्ति ताः अस्मात् परं न भविष्यन्ति यतः एतासां पुरतः सर्वं प्रस्तूयते मेरा विषय व्याकरणशास्त्र की विश्लेषणात्मक कोटियों का अभिनव दार्शनिक उपयोग है। पिछले वर्ष के अंत में लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ ने एक ICPR के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें इस विषय को मैंने लिया था और मैं कृतज्ञ हूँ प्रोफेसर अरिंदम चक्रवर्ती जी का, जिन्होंने इसकी ओर मुझे मेरा ध्यान आकर्षित किया था कि इस विषय पर कार्य करना चाहिए। मैं व्याकरण का विद्यार्थी हूँ और त्रिक दर्शन में मेरा शायद चंचु संपात भी नहीं है ऐसा कहना चाहिए, लेकिन फिर भी आचार्यों के ने जो आदेश दिया या उन्होंने धैर्य दिया उसके कारण मैं इसको प्रस्तुत कर पाया उस समय, और विषय यही था और उसके बाद उसमें प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी जी तथा प्रोफेसर के डी त्रिपाठी जी विद्यमान थे, उन्होंने इस विषय में और कार्य करने को कहा और वस्तुतः अभिनव का ये पक्ष बहुत ही अद्भुत है और पद पद पर वो इस तरह का उपयोग करते हैं तो बहुत सारी नवीन ऐसी ऐसे उदाहरण मिले जिनके आधार पर मैंने आगे उसी बात को कहने की चेष्टा की। अब मैं अपने पत्र पर ही आता हूँ। सबसे पहले व्याकरण का इस तरह का अद्भुत उपयोग जो कि अपने शास्त्र परंपरा में नवीन नहीं है, उसके बारे में कुछ कहेंगे। फिर मेरा पिछला पत्र जो है वो परातीशिका में इस तरह के प्रयोगों के विषय में था, यह पत्र जो है वो प्रत्यभिज्ञा कारिका जो विवृति है और विवृति विमर्शनी है उसके पहले 141 और 144 दो कारिकाओं में दो शब्दों पर जो अभिनव ने उनकी व्याकरणिक व्याख्या की है, व्याकरण की कोटियों की सहायता लेकर के जो
अपने दर्शन को समझाने की कोशिश की है उस पर विशेष रूप से आधारित है। मैं जो चीजें कही जा चुकी हैं आप वहां उपस्थित के सौभाग्य से उसको मैं पेशन नहीं करूंगा। हाँ लेकिन बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा है। मैं उसको केवल नामकरण चर्चा करता हुआ जो विशेष बात है जिसका परीक्षण मैं चाहता हूँ विद्वानों से और बहुत मुझे संतोष है कि विषय के विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित हैं, इसमें परिष्कार होगा। इस विषय में प्रोफेसर त्रिपाठी के अभिनव हैं, अभिनव इस ये लेख जो है वो मैं उसको आधार मानता हूँ क्योंकि वो जो कुछ भी लिखते हैं बहुत ही रस्य शैली में लिखते हैं और वो हृदय उतर जाने वाली चीजें, तो इनिशिएट करने वाला जो लेख इस विषय में है वो उन्हीं का है। मैं उनको धन्यवाद पूर्वक प्रणाम करके आगे चलता हूँ। अभिनव गुप्त शैव दर्शन तंत्र तथा काव्य शास्त्र की परंपरा की अपूर्व व्याख्या का है। वे सुदीर्घ कालावधि में फैली चिंतन परंपराओं को समग्रता में देखकर समेकित रूप में व्याख्या करते हैं। अपनी विशिष्ट व्याख्यान पद्धति में अभिनव ने व्याकरण शास्त्र का अद्भुत तथा अपूर्व उपयोग किया है। अब थोड़ी बात व्याकरण के विषय में। व्याकरण शब्द के स्वरूप का निश्चय कराने वाला शास्त्र है, इसलिए यह सभी शास्त्रों का उपकारक है। कोई भी व्याख्या कर्म व्याकरण की सहायता के बिना असंभव है। प्रकृति तथा प्रत्यय के ज्ञान से शब्द के बाह्य स्वरूप की वास्तविक पहचान हो पाती है और इसी कारण किसी भी ग्रंथ की गुत्थियां सुलझाने के लिए टीकाकार व्याकरण की सहायता लेते हैं। वस्तुतः जैसा कि हमारे आचार्य ने कहा, वस्तुमात्र का विश्लेषण भाषा के द्वारा होता है और जब भाषा का विश्लेषण करना होता है तब हम किसकी सहायता लेंगे, तभी भाषा की सहायता लेंगे। तो भाषा का विश्लेषण जब जिस भाषा के द्वारा होता है वो एक विशेष तरह की भाषा होती है जिसको हम पराभाषा या मेटा लैंग्वेज कह सकते हैं। इसलिए भाषा दो प्रकार की हो गई, एक तो सामान्य जगत का विश्लेषण करने वाली भाषा और एक भाषा के स्वरूप का विश्लेषण करने वाली भाषा, और वो पराभाषा या अधिभाषा। इसीलिए भर्तृहरि ने, मुझे बड़ी इच्छा थी गुरु जी को जाना था इसलिए संभवतः विलंब हो गया था इसलिए चले गए, इसलिए भर्तृहरि ने आठ प्रकार के अपने वस्तुओं की जब वस्तुमात्र का उद्देश्य किया है वाक्यपदी में, तो उन्होंने दो प्रकार के शब्द, दो प्रकार के अर्थ, दो प्रकार के संबंध, दो प्रकार के फल की चर्चा की है। सामान्यतया संसार में लोग एक प्रकार का शब्द, दो एक प्रकार के ही शब्द और एक ही प्रकार के अर्थ को जानते हैं और उसका उपयोग करते हैं सामान्य जीवन में, लेकिन वैयाकरणों के पास दो प्रकार के शब्द होते हैं। वो कहते हैं अपोद्धार पदार्थ ये जाता स्थित लक्षण तो सामान्यतया लोगों के पास स्थित लक्षण शब्द होते हैं और अन्वाख्येय शब्द होते हैं। वैयाकरणों के पास एक विशेष तरह का शब्द वो अपोद्धार पदार्थ भी होता है। लोग राम गच्छति का उपयोग करते हैं, वैयाकरण राम सु गम शब्द इन सब का उपयोग करता है और उसके द्वारा भाषा का अनुवाख्यान करता है। तो इन्हीं व्याकरण की विश्लेषणात्मक कोटियों से तात्पर्य इन्हीं पराभाषाओं से है, जो एनालाइजिंग कैटेगरीज ऑफ ग्रामर है उनसे है। इन विश्लेषणात्मक कोटियों में कुछ तो सूक्ति इत्यादि है जो व्याकरण मात्र में प्रयुक्त है और कुछ ऐसे हैं जो कि लोक में भी प्रयुक्त है जैसे कर्ता कर्म इत्यादि। तो वस्तुतः वैयाकरण जो है वो लोक की चीजों को भी लेते हैं और व्याकरण शास्त्र द्वारा विश्लेषण के लिए उपयुक्त तरीका की कोटियां ऐसी भी हैं जो केवल वैयाकरणों के द्वारा ही सूक्ष्मतः अवबोध्य हैं। और सारी शास्त्र परंपरा के बीच में वैयाकरणों की महत्ता का एक बहुत जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो यही है कि वैयाकरण इस तरह की भाषा को जानता है और बार बार इसको वैयाकरणों ने कहा है कि यश्च व्याकृते वाचम यश्च मीमांसते धर्म तावो पुण्य कर्माणं भक्ति पावन पावक भक्ति पावना ब्रह्मणा ये भवन्ति पवित्रतमा भवन्ति परंतु वैयाकरणाः यतः एतां पराभाषामपि जानन्ति तस्मात् कारणात् तान् पंक्ति पावनान् प्रवयन्ति पंक्ति पावन पावक। अथ च तत्र तत्र महाभाष्यं कथितं वर्तते यो वै इमां पदशः स्वरशः अक्षरशः वाचं विदधाति स आर्तिजीनो भवति। स्वरशः विधान
पदशः विधान अक्षरशः विधान वैयाकरण ही कर सकता है और वो कैसे कर सकता है, उसके पास वो अपोद्धार पदार्थ होते हैं, वो अनुवाक्य शब्द होते हैं। इन विश्लेषणात्मक कोटियों का भी दो प्रकार से उपयोग हो सकता है, एक तो ग्रंथ के सामान्य शब्दार्थ को समझने के लिए, दूसरा अपने दार्शनिक मंतव्य के समर्थन के लिए। अभिनव हमारा विषय जो पत्र का है वो पहले प्रकार का उपयोग नहीं है, दूसरे प्रकार का उपयोग है। अभिनव के व्याख्या ग्रंथों में हम व्याकरण शास्त्र का सर्वविध उपयोग पाते हैं। व्याकरण शास्त्र का उपयोग अभिनव व्याख्या या ग्रंथ के केवल बाह्य शब्द स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए नहीं करते, बल्कि वे व्याकरण शास्त्र द्वारा उद्भावित विश्लेषणात्मक कोटियों का उपयोग बारंबार अपनी दार्शनिक मान्यताओं के प्रतिपादन तथा स्पष्टीकरण में भी करते हैं। व्याकरण शास्त्र के इस विशिष्ट उपयोग से अभिनव का संपूर्ण व्याकरण तंत्र पर असाधारण उपयोग अधिकार द्योतित होता है। इस पत्र में हम देखेंगे कि अभिनव ने व्याकरण शास्त्र के उपयुक्त उपयोग को शिखर तक पहुंचाया है। सभी विद्वान इस कार्य को करते हैं, लेकिन अभिनव जितना करते हैं इस तरह का उपयोग उतना शायद किसी आचार्य ने नहीं किया है। इस थोड़ा सा छोड़ करके मैं इस तरह का जो उपयोग है व्याकरण का, बार बार हम संस्कृत के साथ पाणिनि हमेशा चलते हैं। जैसे कल एक विद्वान भाषण कर रहे थे, मोक्ष कह रहा हूं, मोक्ष तो कहते मुचलुरी, तुरंत मुचलुरी आया, मुझ तक तो ठीक है, ली कहां से आया। पाणिनि हमेशा सिनोनिमस है संस्कृत के साथ, और उसका ऐतिहासिक कारण है वो उसका उस पर थोड़ा सा विचार करने का प्रयत्न किया है, परीक्षण के लिए प्रस्तुत है। संस्कृत भाषा में हुए चिंतन पर व्याकरणिक विश्लेषणों के इस प्रकार के सामान्य प्रभाव का ऐतिहासिक कारण भी है। पर्याप्त अवधि तक जन सामान्य की भाषा रहने के बाद सहस्राब्दियों तक संस्कृत भाषा चिंतन मनन तथा शास्त्रार्थ की भाषा बनी रही। ऐसी स्थिति में संस्कृत के शुद्धतम ज्ञान का सरलतम साधन पाणिनि की अष्टाध्यायी रही। सहस्राब्दियों तक अष्टाध्यायी की भूमिकाएं बदलती रही और महत्वपूर्ण तर होती गई। पाणिनि ने जिस अष्टाध्याय की रचना की थी वो जन सामान्य शिष्टों की भाषा के आधार पर थी। उसके बाद जब पतंजलि आते हैं, जब नेटिव स्पीकर्स जो है शिष्ट जब वो कम होने लगे, तो शिष्टों के परीक्षण के लिए अष्टाध्याय का उपयोग किया जाने लगा। शिष्टार्थ परिज्ञानाय अष्टाध्यायी स्वयं महाभाष्यकार कहते हैं। तो शिष्टों की भाषा के आधार पर बनी हुई जो अष्टाध्यायी थी उसका उपयोग शिष्ट कौन है और अशिष्ट कौन है, क्योंकि जब भाषा बदल रही है तो अब भ्रष्ट बहुत ज्यादा उसके अंदर आ रहा है, और शिष्ट प्रयोग कौन है ये निश्चित करने के लिए अष्टाध्यायी का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद जब समय और आगे बढ़ा और अपभ्रंश जब संस्कृत च्युत हो गए शब्द, तो शिष्ट भाषा के व्युत्पादन के लिए प्रयोग किया जाने लगा। तो ये तीसरी प्रकार, तो हम देखते हैं अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होती गई है अष्टाध्यायी। पतंजलि के बाद जब संस्कृत के जन्मजात वक्ताओं की संख्या समाप्त होने लगी, तब अष्टाध्यायी का उपयोग संस्कृत भाषा को सीखने के लिए व्यापक रूप से किया जाने लगा, और इसमें ऐतिहासिक प्रमाण भी है। विदेशी यात्री इत सिंह जो सातवीं शताब्दी के अंतर के लगभग आया था, उसके विवरणों से पता चलता है कि प्राचीन भारत में उस समय जनसाधारण में पाणिनि का प्रवेश अत्यंत सघन था। आत्मारंभशः पाणिनि उदाहरण देते हैं, मतलब पाणिनि का यश जो है वो बच्चे बच्चे तक है, ये नहीं कि व्यक्ति जब बड़ा हो गया था और पाणिनि को पढ़ना शुरू किया उसने, मतलब हमारे करिकुलम की स्टार्टिंग जो है वही पाणिनि से हुआ करती थी। वस्तुतः व्युत्पादनात्मक कोटि का व्याकरण होने के कारण अष्टाध्यायी द्वारा संस्कृत के समस्त शुद्ध शब्द व्युत्पादित किए जा सकते हैं। हजारों वर्षों में संस्कृत शब्दों की व्युत्पादक के रूप में अवस्थित होने के कारण सामान्य संस्कृत भाषा में पाणिनीय व्याकरण का संस्कार अनिवार्य होने लगा। संस्कृत सीखने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क पर पाणिनि का छाप इनेविटेबल हो गया, और जिस पाणिनीय व्याकरण के द्वारा पहले शिष्ट भाषा का अनुमान होता था उसी से परवर्ती युग में शिष्ट भाषा के उत्पादन होने लगा। एक चोरेला ने एक पत्र इसी विषय पर लिखा है, उनका ये कहना है कि भाषा में व्याकरण का यह महत्व तथा सम्मान विश्व की किसी भी अन्य संस्कृति में दुर्लभ है। जहाँ व्याकरण ज्ञान पर विशेषज्ञों का एकाधिकार न होकर इसका ज्ञान हर शिक्षित व्यक्ति की सामान्य आधारभूत विरासत की तरह था। कुछ उदाहरण मैंने अन्य ग्रंथों से एकत्रित किए थे, मैं उनको एक दो को सिर्फ करता हूँ कि किस प्रकार शास्त्रों की गुत्थियों को सुलझाने के लिए व्याकरण का उपयोग अभिनव से पहले
और अभिनव के द्वारा जो दर्शनों में इसका उपयोग किया गया था उसके अतिरिक्त शास्त्रों में भी उपयोग किया गया किया जाता रहा। एक बहुत रोचक उदाहरण मिला याज्ञवल्क्य स्मृति की जो मिताक्षरा टीका है जिसके आधार पर हिंदुओं का कानून बना हुआ है, उसमें मिताक्षराकार जो है विज्ञानेश्वर वो बहुत प्रसिद्ध है स्त्रियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। उसमें अपुत्र व्यक्ति की अपुत्र व्यक्ति अगर मर जाए तो उसकी पत्नी को सबसे पहले अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उसके बाद बेटियों को मिले और बाद में माता और पिता का स्थान आता है, लेकिन वहां वहां जो शब्द याज्ञवल्क्य ने प्रयुक्त किया है वो पितरऊ है। अब पितरऊ में कौन पहले हो कौन बाद में हो, सारे स्मृतिकार कहते हैं कि पिता को पहले मिले, लेकिन विज्ञानेश्वर कहते हैं नहीं, व्याकरण को देखो क्या कह रहा है, माता पितरऊ कह रहा है। चलो मैं उनका वचन पढ़ देता हूँ, यद्यपि युगपत सारे लोगों ने उनका खंडन किया है, मैंने इसमें पत्र में लिखा भी है, यद्यपि युगपत अधिकरण वचनतायां द्वंद्व स्मरणात् तदपवादत्वादेक शेषस्य धनग्रहणे पित्रोः क्रमो न प्रतीयते, का क्रम नहीं पता चल रहा है, लेकिन तथापि विग्रह वाक्य मातृ शब्द से पूर्व निपातात् एक शेषाभाव पक्षे च, यानी विग्रह में माता पितरौ इति मातृ शब्द से पूर्व श्रवणात् पाठक्रमादेव अर्थक्रमावगमात् धन संबंधे भी क्रमापेक्षायां प्रतीक क्रमानुरोधे एव अहम माता धनभाव करे। और वस्तुतः ये बहुत सारे रोचक उदाहरण हैं वाक्य पदीय में भी, यानी वैयाकरण अपने दर्शन के लिए भी अपने प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। उसको मैं छोड़ता हूँ, वेदांत सूत्रों पर शक्ति विशिष्ट अद्वैत परक भाष्य लिखा गया है और श्रीकंठ ने लिखा है उसको, ईक्षतेर्नाशब्दम सूत्र पर जो सदैव सौम्य इदमत्र आसीत् सत् से शंकराचार्य जो है वो निशेष निर्विशेष ब्रह्म का अर्थ लेते हैं, तात्पर्य लेते हैं, लेकिन श्रीकंठ कहते हैं कि निर्विशेष अर्थ हो कैसे सकता है जब सत् में दो अंश हैं, अस अस धातु और शक प्रत्यय, तो धातु और प्रत्यय दोनों का अर्थ आना चाहिए और दोनों का अर्थ विशिष्ट आता है, इसके लिए वचन भी उद्धृत करते हैं। वो कहते हैं प्रकृति से शक्ति तथा प्रत्यय से शिव, ये दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं जिनका सामरस्य ही सत है। निर्पोट किया है शक्ति ही शिवश्च सत शब्द प्रकृति प्रत्ययोनित तौ ब्रह्म सामरस्येन समस्त जगदात्मकौ, और ये प्रक्रिया अब भी चली आ रही है। स्वयं अभिनव के बाद भी हम देखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती जिन्होंने जो अचिंत्य भेदाभेदवाद जो चैतन्य देव का संप्रदाय है उसके अंतर्गत एक बहुत महनीय आचार्य हुए हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर सारार्थ दर्शनी की का लिखी है। वहां चूंकि उनके दर्शन में श्री कृष्ण को सबसे बड़ा माना जाता है, विष्णु इत्यादि उनके बाद में है, तो वहां आया है नारायण समो गुणई तस्मान नंदात्मजूयन्ते नारायण समो गुणई। अब नारायण के समान जो होगा, यानी नारायण को अगर उपमान बना लिया जाए तो सिद्ध गुण उपमानम, उपमान सिद्ध गुण होता है, तो नारायण कृष्ण से बड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने समास पलट दिया, नारायण समः भेद, नारायण जिसके समान है वो कृष्ण है, अन्य पद कृष्ण है, कृष्ण को उपमान बनाने से कृष्ण जो है वो सिद्ध गुण हो गए और विष्णु जो है उनके। तो इस तरह से अपने सिद्धांतों के उद्बलन के लिए विद्वानों ने व्याकरण की का हमेशा उपयोग किया है, और जैसा कि कल संयोग से मैं उपस्थित नहीं था, गुरु जी ने इसको नोट किया था। इसके बाद ये विषय है कि अभिनव ने व्याकरण कहाँ से पढ़ा था और व्याकरण के प्रति उनकी इतनी अधिक अगाध आस्था क्यों है, तो उसको मैं छोड़ता हूँ। गुरु जी ने बताया था कल के पूर्ण व्याकरण अवगाहन शुचि, सबसे अपना जो जिसको अरिंदम जी ने कहा था ये उनका उनकी जीवन व्यापी अध्ययन की सूची है, तो उस सूची में सबसे पहले जो है वो पूर्ण व्याकरण अवगाहन से सूची है वो, और वो जाकर के कल्पिनेट होता है ईश्वराद्वय कथा कांता सख सांकतम विश्राम ज्ञान, मैं विश्रांत हो गया हूँ। मैं जो विशेष कथन है केवल उसी को कहूंगा, और जो इस पत्र में विषय है केवल उसकी नामोग्रह चर्चा करता हूँ। अभिनव गुप्त की व्याकरणात्मक कोटियों के उपयोग का जो
विशेष प्रयोग दिखाई पड़ता है वो संप्रत्यात्मक बीज शब्दों के दार्शनिक तात्पर्य को स्पष्ट करने के लिए उन शब्दों की व्युत्पत्तियां प्रस्तुत करना है जिसमें देवी की व्युत्पत्ति उन्होंने की है और चक्र की व्युत्पत्ति की है, कुल शब्द की व्युत्पत्ति की है और देवी उवाच पर बहुत बड़ा उनका शास्त्रार्थ है कि ये चर्चा पिछले पत्र में हो चुकी थी इसलिए मैं उस पर बहुत अधिक नहीं चाहूंगा। देवी जो कि परावाक स्वरूपिणी है, जो निरंतर विद्यमान है, उसका लिट लकार के साथ समानाधिकरण कैसे हो सकता है? तो इस पर राफेल चोरेला ने पत्र भी लिखा है, इस पर भी मैंने इसको समझने की कोशिश की है। इसके अलावा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बताई कि अनुत्तर तत्व जो है वो सबसे बड़ा तत्व है त्रिक दर्शन में। उन्होंने कहा जब सबसे बड़ा तत्व है तो अनुत्तम क्यों नहीं कहा, तमक प्रत्यय का क्यों नहीं किया, क्यों कहा? तो वहां वो समझाने की कोशिश करते हैं कि वस्तुतः तरप और तमप गुण की अतिशयता को द्योतित नहीं करते हैं। तरप के द्वारा जो अर्थ व्यक्त होता है और तमप के द्वारा जो अर्थ व्यक्त होता है उसमें गुणगत अतिशयता द्योतित नहीं होती है। दोनों के अर्थ में केवल इतना अंतर है कि एक सप्तक योगिक है, तरप जो है वो सप्तक योगिक है, शुभ जातरा है यानी कोई ऐसी सफेद चीज जिसका कोई प्रतियोगी विद्यमान है और शुक्लतमा का मतलब निष्प्रतियोगिक है। तो अनुत्तर से भी वही अर्थ द्योतित हो रहा है जो कि अनुत्तम से द्योतित हो रहा है। इसके साथ एक नई चीज मिली तो वो कहते हैं जैसे तारतम्य शब्द है, तारतम्य में तो हमें रिलेशन ही मिलता है, तारतम्य का मतलब ही होता है तर, और तो कहते हैं नहीं तारतम्य को ये मत समझ लीजिए कि वो तर और तम से बना हुआ है, वो कहते हैं एक रूढ़ शब्द है और नहीं तो तार्य और ताम में भी शब्द बन जाता। तो कहते हैं वस्तुतः तारतम्य शब्द, हाँ तारतम्य शब्द उन्होंने जो समर्थित किया उसके विरोध में जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं ये वस्तुतः रूढ़ शब्द है जिसका जिसका अर्थ ही है क्रम की अतिशयता, क्रम का अतिशय होना। इस रूढ़ शब्द के अर्थ में तर तथा तम प्रत्ययों के अर्थों का अनुगम नहीं होता, जैसे कि रूढ़ शब्द होते हैं उनके अर्थ अवयवों से उपपादित नहीं होते हैं। तारतम्य प्रयोग क्रमातिशये अव्युत्पन्न एव रूढ़, अव्युत्पन्न कहने का मतलब को ये न समझ ले कि तर और तम का भाव उसमें है, तर और तम का भाव नहीं है क्योंकि तर और तम का ये मतलब ही नहीं है, अतिशयता क्रम की अतिशयता मतलब ही नहीं है। अन्य तार्यम ताम्यमित्यपि हिस्या, अन्यथा तार्य और ताम्य शब्द का भी प्रयोग लोक में होना चाहिए था जो कि नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वो जो भाषिक प्रथम पुरुष जो जो श्री कृष्ण ने कहा है कि अक्षरादत्योत्तम उत्तम पुरुषस्तन्य वर्मा मृत्युदारत, मैं उत्तम पुरुष हूँ, तो उत्तम पुरुष जो है उसको वो भाषिक उत्तम पुरुष के साथ जोड़ते हैं। वस्तुतः अभिनव का कहना है कि भाषा जो भी उत्पन्न हुई है वो इन तत्वों के क्रम से ही उत्पन्न हुई है, इसलिए भाषा निशानदेही कर रही है, भाषा जो है वो इंगित कर रही है, संकेत कर रही है उन्हीं तत्वों की ओर। तो भाषा से भी हम चीजों को समझ सकते हैं। तो वो प्रथम पुरुष को जड़ का वाचक मानते हैं, मध्यम पुरुष को शक्ति का वाचक मानते हैं, उत्तम पुरुष को शिव का वाचक मानते हैं और कहते हैं कि जब दो पुरुष आते हैं और इसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि दो पुरुष जब आते हैं तो हम जब एक को बचाना होता है जैसे अहम त्वम च गच्छाव होता है, अहम स्व च गच्छाव होता है, इसका मतलब प्रथम मध्यम के साथ और मध्यम उत्तम में विलीन हो रहा है, तो एक तरह से शिव जो है वो शिव में विलीन हो रहा है संपूर्ण, तो वो भेदा भेद में जो है वो अभेद विलीन हो रहा है, हाँ अभेद में भेद विलीन हो रहा है, सभी भेदों का अभेदात्मक जो भेदा सहिष्णु दर्शन है उनका। इसके अलावा जो वचन संघटन है, वचनों का एक साथ मिलना, वो भी बताता है इनके अनुसार कि अस्तित्व जो है वो एक ही है। अब दो उदाहरण जो है और वस्तुतः वो बड़े बड़े उदाहरण है, मैं कितने देर में समाप्त कर कारिका एक चार एक में जो उत्पल देव की कारिका है, सन पूर्वानुभूतार्थोपलब्धा परतोपि सन
विवृक्षं स इति स्वैरी स्मरति इत्यपदिश्यते। स्मरण का क्या लक्षण है? स्मरण के लक्षण में उन्होंने स्मरता शब्द को, स्मरता शब्द का लक्षण किया है। स्मरण करने वाला क्या होता है? पूर्वानुभूतार्थोपलब्धा। वस्तुतः स्मरण को मैं थोड़ा पढ़ देता हूं। कश्मीर शैव दर्शन में ज्ञान स्मृति तथा अपोहन रूप शक्तियों से संपन्न महेश्वर की सत्ता को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि इसके अभाव में जनस्थिति के नष्ट होने का प्रसंग उपस्थित होने लगता है। इन तीनों में भी शिवाद्वय ज्ञान मीमांसीय परंपरा में स्मृति का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्मृति के स्वरूप की संघटना काश्मीर शैवों ने इस प्रकार प्रस्तुत की है कि उससे उनकी संपूर्ण विचार प्रणाली का दिग्दर्शन प्राप्त हो जाता है। स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, प्रतिज्ञा दर्शन में। उत्पल देव ने मुख्यतः में बताया है कि ईश्वर आत्मा से अभिन्न है और उसकी उसमें सबसे प्रबल और प्रकट प्रमाण जो है वो स्मृति है, क्योंकि स्मृति में दो चीजें एक होती है, एक तो पूर्वकाल और परकाल दोनों एक साथ आती है। और वो कहते हैं कि जो स्मरता है वो ईश्वर, ये कार्य ऐसा विचित्र कार्य जो है ईश्वर के अतिरिक्त कोई कर नहीं सकता। इसलिए स्मरता जो जीव जो आत्मा है वो ईश्वर के अलावा कोई और नहीं हो सकता। इस प्रसंग में अभिनव ने स्मृति को स्मृति की प्रशंसा करते हुए सकल सिद्धि वितरण चतुर चिंतामणि कहा है। अभिनव समझाते हैं कि काल के अवच्छेदों से रहित चिन्ह मात्र तथा उसके अंतर्गत संपूर्ण वस्तुजात जब अवभासित होता है तो उसका परामर्श अहम के द्वारा होता है, लेकिन जब संपूर्ण वस्तु समूह चित्त से पृथक होकर अवभासित होता है तो उसका परामर्श इदम के द्वारा होता है। इदम के द्वारा अवभासन की दो के समय दो स्थितियां बन सकती हैं, जब इदंता अहम के अंश में निष्क्रांत होती है, यानी अहम इदम ये सदाशिव की स्थिति है, और दूसरी स्थिति यह हो सकती है जब इदंता अहम में पर्यवसित नहीं होती है, जैसे इदम अयम घटक ये जो है वो बिल्कुल चित्त से पृथक अनुभव है। स्मरण की प्रक्रिया इन दोनों से भिन्न है। वर्तमान में होती हुई भी स्मरण प्रक्रिया का परामर्श सह स्मर्यते सह घटः स्मर्यते आदि दूरस्थ वस्तु के रूप में होने का कारण यह है कि इस प्रक्रिया में भेद तथा अभेद का भान कराने वाली दोनों शक्तियां माया और विद्या कार्यरत होती है। इस परामर्श का जो रूप है वह न तो काल के द्वारा अनवच्छिन्न परामर्श अर्थात अहम की भांति है और न ही अत्यंत भिन्नतया भासित होने वाले अयम घटक जैसी प्रतीति की भांति है। यह तो काल भेद के कारण परस्पर विरुद्ध पूर्व और अपर इन दोनों परामर्शों का स्वरूपगत एक ही भाव है। यह स्मृति भेद में अभेदन स्वरूप वाली कैसी हो जाती है, इसके लिए शैव सिद्धांत दार्शनिकों का सिद्धांत है कि पूर्व काल में किया गया अनुभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व काल में किया गया अनुभव अपने विषय के साथ स्मरता में विश्रांत होता है। अपने इस जटिल सिद्धांत को समझने के लिए उन्होंने व्याकरणिक प्रविधियों का उपयोग किया है। वो कहते हैं कि पूर्वानुभूतार्थ और उपलब्धा, वो कहते हैं कि उपलब्धा शब्द के साथ इसका समास कैसे हो सकता है। उपलब्धा शब्द यानी उपलब्धि, उपलब्धि शब्द त्रिनंत हो सकता है या त्रिजंत हो सकता है। अपने बहुत लंबे चौड़े विश्लेषण में अभिनव ये सिद्ध करते हैं कि न तो त्रिनंत के साथ समास होना आसान है न त्रिजंत के साथ समास होना आसान है। क्यों? क्योंकि त्रिजंत के साथ अगर समास होगा तो पाणी सीधा सीधा रोकते हैं, वो कहते हैं त्रिजकाभ्यम कर्तरी, कर्ता के अर्थ में जो त्रिजंत है उसका षष्ठी के साथ समास रोका गया है। घटानाम निर्मातु घट निर्मातु ऐसा ऐसा ये गलत प्रयोग है, तो पाणिनि ने स्वयं उसको रोक दिया है तो वो नहीं हो सकता। और त्रिनंत के साथ समास भी नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिनंत के साथ जब समास होगा तो षष्ठी रहेगी ही नहीं, क्योंकि नलोकाव्य निष्ठा खलर्थ प्रणाम इत्यादि सूत्र से सामान्यतया तो ऐसा होता है कि जब कृत के साथ योग होता है तो वहां कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाती है, तो उसको कृत योगा षष्ठी कहते हैं, तो कर्त कर्मणः कृति ऐसा सूत्र है। लेकिन उसी का अपवाद है नलोकाव्य निष्ठा खलर्थ प्रणाम, ये त्रिन इत्यादि जो कृत्य है उनके योग में जो कर्ता या कर्म है उसमें षष्ठी नहीं होगी, कर्म में षष्ठी नहीं होगी, जब कर्म में षष्ठी नहीं होगी तो वो द्वितीया में आ जाएगा, तो षष्ठी सूत्र से समासी नहीं हो पाएगा। तो द्वितीया द्वितीया के साथ समास करने का कोई सूत्र ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार त्रिनंत और त्रिजंत दोनों के साथ समास नहीं हो सकता। फिर अब लेकिन समास किया गया है,
तो इसके लिए बहुत सारे वैकल्पिक विषयों को बताते हैं, जो लगभग 5-6 प्रश्नों का उसका उसको उसका विस्तार है। वो कहते हैं कि द्वितीया शताब्दी गणपति जगत्कृष्ण प्राप्तापन्न सूत्र जो है उसमें द्वितीया का योग विभाग कर लें और उसका संसुपा से सुपा ला करके द्वितीयांतम सुपा समर्थेन सुपा सा समस्यते ऐसा करके कर लें, लेकिन योग विभाग जो है वो हम शिष्टों के प्रयोग के समर्थन के लिए करते हैं, न कि स्वयं कुछ हम बना दें और हम योग विभाग करके उसका समर्थन कर लें। इसलिए अंततः वो सिद्ध करते हैं और उत्पल भी, चूंकि उत्पल की भी वृत्ति वृत्ति मिलती है अपने स्वयं, तो उत्पल स्वयं इस बात को कहते हैं कि यहाँ यहाँ समास होना कठिन है, लेकिन फिर भी समास किया गया है। क्यों? तो कहते हैं वक्तव्य वस्तु श्रद्धया कर, वक्तव्य वस्तु श्रद्धा का क्या मतलब है? अगर समास न किया जाए तो एकार्थी भाव नहीं होगा, एकार्थी भाव और यहाँ तत्पुरुष समास हो रहा है, तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, उत्तर पदार्थ है उपलब्धा, उपलब्धा है स्मरता, अस्मत् प्रत्यय गोचर जो है अहम प्रत्यय गोचर है, और अनुभूतार्थ प्लस उपलब्धा, अनुभूतार्थ अपने अर्थ, अनुभूतार्थ जो पद है उसे अपने अर्थ का समर्पण उत्तर पद यानी उपलब्धा में करना चाहिए। उपलब्धा में अगर अपने अर्थ का समर्थन नहीं करेगा तो ऐसा समर्पण तभी कर सकता है जब वहां तत्पुरुष समास हो, क्योंकि तत्पुरुष समास ही उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, तो इसके लिए समास करना होगा। और अगर समास न किया जाए, वाक्य रहने दिया जाए, तो वाक्य में एकार्थी भाव सामर्थ्य नहीं होता है, व्यवेक्षा सामर्थ्य होता है, तो शैवों के स्मरण का यह सिद्धांत उद्वलित नहीं हो पाएगा कि स्मरण की प्रक्रिया क्या है। स्मरण की प्रक्रिया है कि पूर्व अनुभूत जो पूर्व अनुभव जो है वो अपने विषय को क्रोधीकृत करके स्मरता में विश्रांत हो जाता है। ये शैवों का सिद्धांत है और इसके प्रारंभ में जो उन्होंने बात की है पदार्थ रक्त कर्म गंज कुंजितम ग्रंथंतम स्मृति सूत्रांतम संतत्येव स्तुमः शिवम, तो शिव जो है वो सभी स्मृतियों स्मृतियों के सूत्र में सभी पदार्थों को गूंथ करके अपने पास धारण करते हैं। दूसरा जो उदाहरण है वो अनुभूतम का है। अनुभूतम में मैंने अनुभव किया इसके लिए लोग किस शब्द का इस्तेमाल करता है? अनुभूतम का इस्तेमाल करता है और अनुभूतम को वो कहते हैं कि पूछता है कि आपको स्मृति प्रक्रिया को इस तरह से बताना चाहिए कि पूर्वकालिक अनुभव का विषय एतत्कालिक स्मरण का विषय बन रहा है। सीधे सीधे ये करें, आप एकात्मकता क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि पूर्वकालिक अनुभव अपने विषय को क्रोधीकृत करके अनुसंधाता के स्वरूप में प्रकाशित हो रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उत्पल कहते हैं क्योंकि ऐसा व्यवहार हो रहा है। हम जब किसी विषय का स्मरण करते हैं तो क्या कहते हैं? अनुभवम, मैंने अनुभव किया था उसका मैं स्मरण कर रहा हूं, और अनुभवम अपने आप में ये बात इस बात को बता रहा है कि वहां कर्ता या स्मरता जो है वो मुख्यतया भासमान हो रहा है और बाकी चीजें जो है उसके अंतर्गत विश्रांत हो रही है। ये कैसे कर रहा है? तो कहते हैं अनुभव में दो अंश है, अनुभू प्लस बी जो कि लुंग लकार में अम हो गया है, वो मिक है। वो शब्द शास्त्रियों का एक न्याय प्रस्तुत करते हैं कि प्रकृति प्रत्यय सह प्रत्ययार्थ, प्रकृति तथा प्रत्यय दोनों मिलकर के प्रत्यय के अर्थ को कहते हैं, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय जिस अर्थ को कहते हैं मिलकर के उसमें प्रमुखता प्रत्यय के अर्थ की होती है, और प्रत्यय इसमें है बिग, और बिग के द्वारा हाँ के द्वारा कर्ता आक्षिप्त हो रहा है। वैयाकरण तो कहते हैं कि मिप के द्वारा कर्ता वाच्य हो रहा है, मीमांसक कहते नहीं कर्ता वाच्य नहीं होता है, कर्ता आक्षिप्त होता है, तो कर्ता का हाँ कर्ता का आक्षेप होता है और कर्ता ही प्रमुख है, तो बाकी चीजें जो है वो कर्ता में जाकर के विश्रांत हो जाती है
और कर्ता प्रबुद्धतया भासमान होता है। अब मैं प्रतिदिन पढ़ रही हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिनव स्मृति की वास्तविक परिघटना के प्रमाणन के लिए भाषिक व्यवहार अनुभूपम के साथ साथ भाषिक व्यवहार के अंतर्गत व्याकरणिक विश्लेषण अनुभूमिक तथा इसके आंतरिक अर्थ प्रकार जो है जो सिमेंटिक फंक्शन है उसके धात्वक और कर्ता को भी समर्थक के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिनव व्याकरण के प्रक्रिया एवं दर्शन सभी रूपों का उपयोग अपने विवेचियों के व्याख्यान में अत्यंत दक्षता पूर्वक करते हैं। फिर भी एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्याकरण आदि विभिन्न शास्त्रों का उपयोग करते हुए भी वे उसे गौण ही मानते हैं तथा प्रत्यभिज्ञा शास्त्र को व्याकरण इत्यादि शास्त्रों के परम उपकारक के रूप में वर्णित करते हैं। उनके उनके अनुसार वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। उनका वाक्य प्रमाण पद तत्व सदा गमार्था स्वात्मोपयोग उपयान्त्यमुतस्तु शास्त्रार्थ पद इत्यादि जो मीमांसा न्याय व्याकरण इत्यादि सारे शास्त्र जो है उनका उपयोग क्या है। उनका उपयोग है कि ईश्वर प्रत्यभिज्ञा ईश्वर को समझ लिया जाए। वो कहते हैं कि मीमांसा इत्यादि शास्त्र पृथ्वी पर स्थित जल की तरह है और प्रत्यभिज्ञा शास्त्र सूर्य की तरह है। जब तक भौम जल का संपर्क सूर्य के साथ नहीं होता है तब तक वो भौम जल लोक कल्याण के लिए वाष्पीकृत होकर के नहीं कर सकता नहीं समर्थ हो सकता। तो इसका व्यापकतम और पोषकतम उपयोग यह है कि एक स्थान पर जमा जल सूर्य किरणों के द्वारा वाष्पीकृत होकर वर्षा के रूप में वैश्विक स्तर पर उपकारक हो पाए। वाक्य प्रमाण पद तत्व समाज सदागमार्था स्वात्मोपयोग उपयान केमुत सुशास्त्रार्थ अमुत सुशास्त्रार्थ इस प्रत्यभिज्ञा शास्त्र के द्वारा के कारण भौमान रसान जलमयान नहि सस्य पुष्टौ मुक्त्वा कवि कवि योजयितुं क्षमन्यः अन्यः तं योजयितुं क्षमा नास्ति। बहुत बहुत धन्यवाद।